सफर के मुसलमानों के लिए खुशखबर ब्रीफ। दो सऊदी अरब ने 4 अक्टूबर से उमरा की इजाजत दे दी। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक पहले मरहले में 6,000 सऊदी शहरियों को इजाजत होगी। दूसरा मरहला 18 अक्टूबर को शुरू होगा। गैर मुल्की मोतमरीन 1 नवंबर से उमरा अदा कर सकेंगे। मार्च में कोरोना वबा के बायस उमरा पर पाबंदी लगाई गई थी। सूबों में 6 से 8 तक तालीमी सरगर्मियां बहाल। पंजाब बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल खुल गए। आधे तालिबे इल्म आज हाजिर, आधे कल तालीमी इदारों में पहुंचेंगे। तलबा के लिए मास्क पहनना और समाजी फासला जरूरी। सिंध में मिडिल क्लासेस का आगाज 28 सितंबर से होगा। इलेक्ट्रिक शहर कायद के लोगों को बिजली फराहम करने में नाकाम। कराची में 12-12 घंटे बिजली बंद। एफबी एरिया लियाकताबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, मनीर, लांडी, गुलशन मैमार में बदतरीन लोड शेडिंग। डिफेंस शादमान टाउन से सैयद टाउन के माड़ी भी मुतासर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत करेगी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश होंगे। वजारत खारजा मियां नवाज शरीफ के बयान की गिरफ्तारी के हवाले से रिपोर्ट पेश करेगी। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास आज होगा। तमाम जमातों के रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में एपीसी के फैसलों के हवाले से हिकमत अमली तैयार की जाएगी। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में रहमान भोला और जुबैर शरिया को 264 बार सजाए मौत। रऊफ सदीकी समेत 4 मुलजिम बरी। 4 मुलजिमों को सहूलतकारी पर उम्र कैद की सजा। फैसला होने में 8 साल क्यों लग गए? मनसूबा साजों को बेनकाब कौन करेगा? अलाकारों को सजा काफी नहीं, असल मुजरिमों को भी सजा दी जाए। गम से निठाल बुरसा की अपील। भारत में 11 पाकिस्तानी तारीखी ने वतन से कत्ल के खिलाफ हिंदू काउंसिल का लॉन्ग मार्च। सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तिल काफिला हैदराबाद से रूबरी पहुंच गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे। और कराची में आज भी गर्मी की लहर बरकरार। पारा 36 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश। बहावलपुर मुल्तान जीजे खान में गर्द आलूदा चलने की तवक्को। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में मसला जज्वी अबर आलू रहेगा।